हेलो एवरीवन, आज अकाउंट्स में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में। और जो पार्टनरशिप अकाउंट टॉपिक है उसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप। इस टॉपिक में मेजरली हम फोकस करेंगे गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में कि अगर पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस हुआ, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर, तो उसमें गुडविल वैल्यूएशन कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब एज सच जो पार्टनरशिप अकाउंट कॉन्सेप्ट है अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके कुछ टॉपिक्स आपको सीए फाउंडेशन में आते हैं और कुछ टॉपिक्स सीए इंटर में आते हैं। सीए फाउंडेशन में हम लोग इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप या जनरल पार्टनरशिप जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। उसके अलावा हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में बात करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, ये तीन टॉपिक और हमको पढ़ना है। मतलब टोटल पार्टनरशिप अकाउंट के पांच टॉपिक हम फाउंडेशन लेवल पर पढ़ेंगे। इंटर लेवल में आगे का पार्टनरशिप अकाउंटिंग है। इंटर में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी और अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब ये जो टर्म है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें जो वर्ड वैल्यूएशन होता है इसका मतलब होता है टू असर्टेन दी वैल्यू, टू असर्टेन दी वैल्यू। और यहाँ पे दूसरा वर्ड जो है वो है गुडविल। अब ये जो गुडविल टर्म है आपने सुना भी होगा और आपको समझता भी है कि गुडविल मतलब क्या, बरोबर? तो कोई क्या मुझे बता सकता है कि गुडविल का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दी वर्ड गुडविल? कैन एनीवन एक्सप्लेन? गुड रेप्यूटेशन, गुड रेप्यूटेशन, ओके, एनीथिंग एल्स? अपना मार्केट में रेप्यूटेशन बिजनेस का। अपना मार्केट में रेप्यूटेशन बिजनेस का, ओके okay. और कुछ कोई गुडविल के बारे में बोलना चाहेगा? पॉजिटिव इमेज ऑफ अ फर्म, पॉजिटिव कुड यू रिपीट, कुड यू रिपीट? इमेज ऑफ अ फर्म, पॉजिटिव इमेज ऑफ अ फर्म, फाइन। क्या बात है, इस बार तीनों लड़कों ने जवाब दिया, एक भी लड़की की साइड से जवाब नहीं आया, ऐसा कैसे? क्या होता है गुडविल? लड़की लोग, नेशन वांट्स टू नो क्या होता है गुडविल। सर इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। होता है सर, इट इज अ इंटेंजिबल एसेट, फाइन। और कोई कुछ बोल रहा था? अंतिमा, यू आर टेलिंग समथिंग। इंटेंजिबल एसेट होता है विच पुट्स द फर्म इन एन एडवांटेजियस पोजीशन। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है जो जिसका फर्म को एडवांटेज मिलता है, फाइन। मतलब सब लोगों ने बहुत अलग अलग आंसर दिए, लेकिन हाँ मोर और लेस सबका आंसर सही भी है, सेम भी है। अब गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, ये तो हम सबको मालूम है, क्योंकि गुडविल को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बरोबर? अब गुडविल ऐसा टर्म है विच इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। समझना बहुत आसान है, समझाना बहुत मुश्किल है। समझना बहुत आसान है गुडविल, लेकिन उसको किसी को समझाना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने गुडविल को समझाने की कोशिश की और उन्होंने बोला कि गुडविल मतलब रेप्यूटेशन। गुडविल मतलब रेप्यूटेशन, जैसा आप में से किसी ने कहा था गुडविल मतलब गुड रेप्यूटेशन, पॉजिटिव इमेज, पॉजिटिव रेप्यूटेशन। तो इंस्टीट्यूट ने भी बोला गुडविल मतलब क्या है? रेप्यूटेशन। अब सवाल आता है, आपने बोल तो दिया गुडविल मतलब रेप्यूटेशन, लेकिन रेप्यूटेशन मतलब क्या? रेप्यूटेशन मतलब क्या? तो उन्होंने उसको और एक्सटेंड किया
और बोला गुडविल मतलब रेप्यूटेशन एंड रेप्यूटेशन मींस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट जो बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कमाने की, वो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा होगा, वो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा होगा, तो वो जो ज्यादा वाला पार्ट है ना, जो डिफरेंशियल अमाउंट है ना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का और नॉर्मल प्रॉफिट का, उस डिफरेंस को हम बोल सकते हैं गुडविल। दैट डिफरेंस कैन बी कंसिडर्ड एज गुडविल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखो मार्केट में कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो काफी सारी दुकानों पे मिलते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट का जो रेट है वो पर्सन टू पर्सन, दुकान टू दुकान, शॉप टू शॉप वेरी होता है। कहीं पे रेट बहुत कम होगा, कहीं पे रेट बहुत ज्यादा होगा। तो ये जो रेट कम ज्यादा है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है गुडविल। कैसे? अभी से फॉर एग्जाम्पल एक समोसे की दुकान, समोसा बेचने वाला है या वड़ा बेचने वाला है, एक समोसे की दुकान है जिसका ओनर है समझो दीप, समोसा वड़ा दाल वड़ा कचौरी सब बेचता है, और उसी की दुकान के सामने एक और दुकान है हर्ष की जो कि समोसा वड़ा दाल वड़ा बेचता है। अब जो हर्ष है उसका मार्केट में बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बरोबर। और क्योंकि इसका मार्केट में नाम अच्छा है तो ये जो रेट लेता है प्रोडक्ट की वो रेट थोड़ी प्रीमियम रेट होती है। प्रोडक्ट दीप का भी अच्छा है, क्वालिटी वाइज दीप का प्रोडक्ट भी अच्छा है, लेकिन कैसा है कि दीप का मार्केट में उतना नाम नहीं है, इसीलिए दीप का जो रेट है वो कंपैरेटिवली हर्ष के रेट से कम है। समझो अगर दीप समोसा, दीप जो है वो समोसा बेच रहा है 10 रुपए में, तो जो हर्ष है वो समोसा बेचता है 15 रुपए में। प्रोडक्ट सेम है, दीप भी समोसा बेच रहा है, हर्ष भी समोसा बेच रहा है, लेकिन दीप बेच रहा है 10 रुपए में, हर्ष बेच रहा है 15 रुपए में। अब समझो जो दीप 10 रुपए का समोसा बेच रहा है उस 10 रुपए के समोसे का कॉस्ट है 8 रुपया, 10 रुपए के समोसे का कॉस्ट है 8 रुपया, मतलब दीप कितना कमा रहा है 2 रुपया, दीप कितना कमा रहा है 2 रुपया। हर्ष जो समोसा बेच रहा है 15 रुपए में, हर्ष थोड़ा इंग्रेडिएंट ज्यादा डालता होगा, थोड़ा महंगा सब सामान डालता होगा, तो भी उसका समोसे का जो कॉस्ट है समझ लो है 11 रुपया, बरोबर। तो हर्ष बेचता है 15 में और उसका कॉस्ट है 11, मतलब हर्ष कितना कमा रहा है 4 रुपया पर समोसा। दीप बेचता है 10 में, उसका कॉस्ट है 8, दीप कितना कमा रहा है 2 रुपया, मतलब जिस चीज पे दीप 2 रुपया कमाता है, जिस समोसे पे दीप 2 रुपया कमाता है उसी समोसे पे हर्ष 4 रुपया कमा रहा है, मतलब दीप से 2 रुपया ज्यादा कमा रहा है। तो जो हर्ष दीप से 2 रुपया ज्यादा कमा रहा है, जो हर्ष दीप से 2 रुपया ज्यादा कमा रहा है, वो 2 रुपया किस वजह से कमा रहा है, वो 2 रुपया एक्स्ट्रा किस चीज का ले रहा है? रेप्यूटेशन, गुडविल। रेप्यूटेशन का, उसके गुडविल का, बरोबर। मतलब नॉर्मल लोग इंडस्ट्री में 2 रुपया पर समोसा कमा रहे, मतलब दीप बोल दो या कोई भी दूसरा दुकान वाला बोल दो, वो 2 रुपया पर समोसा कमाता है या 3 रुपया पर समोसा कमाता है, लेकिन हर्ष उसी समोसे के ऊपर 4 रुपया कमाता है, मतलब जो नॉर्मल लोग एक्सपेक्ट करते हैं 3 रुपया और हर्ष एक्सपेक्ट करता है 4 रुपया, तो जो 1 रुपया डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट उसके गुडविल का पैसा। तो गुडविल इज नथिंग बट रेप्यूटेशन, एंड रेप्यूटेशन इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट,
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। और जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है जिनका बहुत अच्छा मार्केट में रेपुटेशन है, बरोबर, उनके प्रोडक्ट का रेट सिमिलर टाइप के दूसरे प्रोडक्ट से कभी भी ज़्यादा ही होगा, सिमिलर टाइप के दूसरे प्रोडक्ट से कभी भी ज़्यादा ही होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि वो अपना जो इतने साल का गुडविल है उसको भी मटीरियलाइज करेंगे, उसको भी मटीरियलाइज करेंगे। तो गुडविल का क्या मतलब है, क्लियर है सबको? गुडविल क्या होता है वो समझा? देखते हैं नोट्स में क्या दिया है। गुडविल मीन्स रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन मीन्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से गुडविल कम या ज्यादा हो सकता है? व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच मे रिजल्ट इन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ गुडविल? कैन एनीवन टेल मी व्हाट कैन बी द प्रोबेबल फैक्टर्स ऑफ फॉर गुडविल? गुडविल कौन से से? हाँ हर्ष, वापस बोलो। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एक बहुत जरूरी फैक्टर है गुडविल बनाने के लिए। और नंबर ऑफ इयर्स, के कितने इयर्स से अपन काम करते आ रहे हैं, कितने साल से आपका बिजनेस मार्केट में टिका हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस का गुडविल नहीं होता तो शायद बिजनेस 6 महीना आसान पर खत्म हो जाता। रितु बोलो क्या बोल रहे हो? सर अगर प्रॉफिट हुआ तो मतलब ज्यादा अच्छी बनेगी ना, कि हर बार होता है, प्रॉफिट से भी मतलब फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो फर्क पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट मेन फैक्टर नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस भी होते हैं जो टाइमिंग के लिए लॉस मेकिंग होते हैं लेकिन उनका गुडविल अच्छा होता है। प्रॉफिट इज ऑब्वियसली अ फैक्टर फॉर गुडविल, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट फैक्टर अपन नहीं बोल सकते। हाँ, लोकेशन, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट डज नॉट रिजल्ट इन गुडविल। खराब प्रोडक्ट का भी एडवर्टीजमेंट होता है, तो ऐसे जो एडवर्टीजमेंट, एक ऑब्जेक्टिव सर की जो ज्यादा ऐड करेगा उसका ज्यादा गुडविल, ऐसा जरूरी नहीं है। कल्याणी आप क्या बोल रहे थे? सर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। हाँ वो तो अगर बिजनेस अच्छा चलेगा तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी रहेगी। हर्ष आप कुछ बोल रहे थे? ऑब्जेक्टिव अपना क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब लेकिन वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बरोबर से कम्प्लीट करता है, और कोई बिजनेस मैन है जो बहुत कमाता है लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं करता है। तो जो कम कमाने वाला है उसका नाम और उसका एग्जिट मार्केट में ऑब्वियसली ज्यादा होगा। रितु आप कुछ बोल रहे थे? सर कस्टमर्स ज्यादा रहेंगे तो, कस्टमर्स यस वन ऑफ द फैक्टर। आपका नाम अच्छा होगा तो ही लोग आपके पास आएंगे, वरना आपके पास नहीं आएंगे। मतलब एज सच देखा जाए तो कई सारे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गुडविल कम ज्यादा हो सकता है। देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, बरोबर, बट वी आर गोइंग टू कंसिडर हियर रिलेवेंट फैक्टर्स, कुछ मेन फैक्टर्स जिनकी वजह से बिजनेस का गुडविल कम ज्यादा हो सकता है। तो ये जो मेन फैक्टर्स है उसमें चार फैक्टर्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो प्रोडक्ट का क्वालिटी, सर्विस सेक्टर वाला है तो सर्विस का क्वालिटी। आफ्टर सेल सर्विस, मैनेजमेंट, लोकेशन ऑफ बिजनेस, बरोबर। एक एक करके अपन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला फैक्टर है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आपको मार्केट में अपना गुडविल जमाना है, आप एडवर्टीजमेंट से एक लिमिट तक कस्टमर को खींच सकते हो। एक लिमिट के ऊपर कस्टमर एडवर्टीजमेंट देख के नहीं आएगा, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी देख के आएगा, बरोबर। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज वन ऑफ द प्राइमा फेसिया मेन फैक्टर
विच में रिजल्ट इन गुड हेल्थ. अगर आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा है तो देर सवेर आपको कस्टमर मिलेगा ही, बरोबर. और आपके सर्विस का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है तो देर सवेर कस्टमर आपके पास आएगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, बरोबर. तो प्राइमा फेसिया प्रोडक्ट है, प्राइमा फेसिया फैक्टर है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, बरोबर. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको जरा सोच समझ के आंसर देना है, आपको एक सोच समझ के आंसर देना है, ठीक है. अभी मैं जो बुरहानपुर वाले हैं उनसे पूछ रहा हूं, मुंबई वालों को उसका आइडिया नहीं रहेगा. आपके पास ऑप्शन है कि आपको जलेबी खरीदनी है, मावा जलेबी, तो आपको मैंने ऑप्शन दिया है दो दुकान का, बरोबर. एक मोतीलाल मिष्ठान भंडार जो मैंने अभी अभी खोला है, ठीक है, और दूसरा है कुंदन स्वीट्स. तो आप कहाँ की जलेबी खरीदना पसंद करोगे? दिल से मत सोचना, दिमाग से. कुंदन स्वीट्स. क्यों? कुंदन स्वीट्स क्योंकि सर आप तो अभी नए नए आए ना, तो अभी अभी खुली है ना दुकान, तो आपके मन में विश्वास है कि कुंदन का क्वालिटी बहुत अच्छा है, बरोबर. और कुंदन का क्वालिटी अच्छा है तभी तो इतने साल से कुंदन मार्केट में. मैं तो अभी कल ही तो ओपनिंग हुआ दुकान का, तो कोई खरीदने वाला है क्या? नहीं, बरोबर. तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो होता है, बरोबर, उससे बिजनेस का गुडविल बनता है. मुंबई वालों से बात करता हूं मैं, मुंबई वालों, अभी एक है भाऊ वड़ा पाव, जो मुंबई वाले उन्होंने भाऊ वड़ा पाव का नाम सुना ही होगा, मुलुंड में ही है. और दूसरा है मोतीलाल स्नैक्स कॉर्नर, वो भी वड़ा पाव बेचता है. तो गिवन ऑप्शन टू सेलेक्ट अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, आप क्या सेलेक्ट करोगे, मोतीलाल स्नैक्स कॉर्नर का वड़ा पाव या भाऊ वड़ा पाव का वड़ा पाव? भाऊ वड़ा पाव, क्योंकि वो इतने सालों से है, आप लोग ऑलरेडी ओके टेस्टेड हो, आपको मालूम है कि जो क्वालिटी है बहुत अच्छा रहेगा. तो क्वालिटी वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच विल रिजल्ट इन गुडविल ऑफ द प्रोडक्ट, नॉट ओनली खाने पीने के आइटम में, हर आइटम में क्वालिटी बहुत मैटर करती है. हर खाने पीने के आइटम में ही नहीं, हर दूसरी चीज में क्वालिटी बहुत मैटर करती है. अगर मैं सर्विस की बात करूं, सर्विस सेक्टर, जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो वहां पे भी आपको कैसी सर्विस मिल रही है, आप उसके हिसाब से डिसाइड करोगे मुझे उस पर्टिकुलर जगह से काम करवाना है कि नहीं करवाना है. एक ऐसी कंपनी बरोबर, जहां पे आप जाते हो तो आपसे जो वॉचमैन है, वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड है, आप गए, समझो एक बैंक की बात करता हूं मैं, एक बैंक है एक्स वाई जेड बैंक और उसी का एक कॉम्पिटिटर बैंक है एबीसी बैंक. तो जो एक्स वाई जेड बैंक है, बरोबर, आप जब आप उधर जाओगे तो सिक्योरिटी गार्ड आपको, जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है, बोलेगा नमस्ते सर, नमस्ते मैडम. जैसे ही आप अंदर जाओगे, उधर एक वेलकम काउंटर या रिसेप्शन काउंटर होगा, उधर कोई लेडी या कोई पर्सन खड़ा होगा, यस सर मे आई हेल्प यू, बोलिए सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, बरोबर. आप उसको बोलोगे भाई मुझे कैश विड्रॉ करना है, या मुझे चेक जमा करना है, या मुझे अकाउंट ओपन करना है, वॉट एवर. तो अगर सबसे पहले तो आपको बोलेगा सर प्लीज बी सीटेड, दो मिनट सांस ले लीजिए, आराम कर लीजिए, पानी पीजिए, फिर जो भी काम है हो जाएगा, बरोबर. आपको अकाउंट ओपन करना है तो आपको पूरा डिटेल प्यार से समझाएगा, बेनिफिट समझाएगा, बरोबर. फिर बोलेगा सर आप अपना नाम और ये डिटेल दे दीजिए, बाकी मैं फिल कर लूंगा, आप जहाँ पे चोकड़ी मारा है, जहाँ पे क्रॉस किया वहाँ साइन कर लीजिए, बरोबर. ये था एक्स वाई जेड बैंक, जहाँ पे आप घुसे तो आपको ऐसा फील हुआ यार मैं तो राजा हूँ और बाकी सब मेरी प्रजा है, मेरे को कितना भाव मिल रहा है. यही आप एबीसी बैंक में गए, बरोबर, एबीसी बैंक में आप घुसे तो पहली बात तो वहाँ पे मे आई हेल्प यू या रिसेप्शन जैसा कुछ था ही नहीं, बरोबर. वहाँ पे जो पर्सन था, वहाँ का ऑफिस बॉय बोल दो, प्यून बोल दो, सिक्योरिटी गार्ड बोल दो, वही सब काम कर रहे हैं, बरोबर. आप उससे, आपको उसको ही पूछना है कि
कि भाई कैश किधर जमा करना है, अकाउंट कहाँ ओपन करना है, बरोबर वही आपको सब बताएगा। जरूरत पड़ा तो आपका पेन स्लिप भी वही भर के देगा, बरोबर। आप काउंटर पे गए कैश विड्रॉ करने, यू आर नॉट दैट हैप्पी, यू आर नॉट दैट हैप्पी। आपने बोला मैडम मुझे कैश निकालना है, 10,000 कैश निकालना है, बरोबर। मैडम मुझे 500-500 के नोट दे दो ना, या मुझे 2-2,000 के नोट दे दो ना, तो मैडम बोलती है हमारे घर पे थोड़ी छापते हैं भाई नोट, जो है वो ले लो। मतलब देयर टोन वॉज डैम रूड। आप कोई सवाल पूछ रहे उसका बरोबर जवाब नहीं दे रहे। मैडम पासबुक अपडेट करानी है, बाद में आओ, प्रिंटर खराब है। प्रिंटर कब ठीक होगा हमको नहीं मालूम, जब ठीक होएगा तब पूछ के जाओ। या फिर आप उस ABC बैंक में फोन करते हो, नो वन पिकअप दी फोन। यही आप XYZ बैंक में फोन करते हो, इमीडिएटली फोन पिकअप होता है, इमीडिएट आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड किया जाता है। तो मैं आपको ऑप्शन दूं कि भाई तुमको पैसा जमा करना है, तुमको खाता खोलना है, तो कौन सी बैंक में खाता खोलोगे, XYZ की ABC? कौन सी बैंक में खाता खोलना पसंद करोगे, XYZ में कि ABC में? एक खाता ही नहीं खोलना है क्या तुम लोग को बैंक में? तब कैश में डील करते होगे, हाँ? XYZ में। क्यों? क्योंकि XYZ का सर्विस, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसके हिसाब से XYZ का सर्विस बहुत अच्छा है, ABC का सर्विस बहुत खराब है। तो आपका जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, वो सबसे पहला फैक्टर है जिसके बेसिस पे बिजनेस का गुडविल डिसाइड किया जाता है या गुडविल बनता है, बरोबर। सेकेंड पॉइंट होता है आफ्टर सेल सर्विस। देखो प्रोडक्ट बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट बेच सकता है, थोड़ी अच्छी मार्केटिंग करेगा, थोड़ा अच्छा एडवर्टीजमेंट करेगा तो प्रोडक्ट बिक जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट बेचना काफी नहीं है, प्रोडक्ट बेचने के बाद जो कस्टमर है उसको सर्विस भी मिलना चाहिए। आफ्टर सेल सर्विस मतलब आपने जो प्रोडक्ट खरीदा अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका जो सर्विस है इजीली अवेलेबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई मोबाइल खरीदा, टीवी में ऐड देखा, बरोबर, ऐड बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऐड था, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ऐड था। ऐड देखते ही आपने मन मना लिया मुझे तो यही मोबाइल खरीदना। आप वो मोबाइल खरीद के ले आए और बाद में कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई, तो अभी आप वो मोबाइल का सर्विस सेंटर ढूंढ रहे हो। आपने बहुत सर्च किया, आपको सर्विस सेंटर मिला ही नहीं। मतलब समझो फॉर एग्जांपल आप रहते हो मुलुंड में और पता चला सर्विस सेंटर है बॉम्बे में, CST में, बरोबर। या फिर आप बुरहानपुर रहते हो, आपको पता चला भाई नियरेस्ट सर्विस सेंटर इज इंदौर। तो आपने एक बार तो प्रोडक्ट ले लिया, पर दूसरी बार आप कभी को किसी को रिकमेंड करोगे प्रोडक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ठीक है लेकिन बेचने के बाद सर्विस कोई नहीं दे रहा। कोई कई या बुरहानपुर से इंदौर जाना मतलब ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 6-7 घंटे का ट्रेवल होगा। मोबाइल ठीक कराने के लिए 6 घंटा ट्रेवल करोगे, फिर ठीक कराओगे, आओगे 6 घंटा ट्रेवल करके, और गारंटी भी तो नहीं है कि जाओगे तो इमीडिएट ठीक हो जाएगा। या कोई भी ऐसा मोबाइल जहाँ पे आपका सर्विस सेंटर है लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप मोबाइल देते हो तो 2 महीने तक पता ही नहीं होता है मोबाइल कब रिपेयर होके मिलेगा। मतलब आफ्टर सेल सर्विस बरोबर है क्या? नहीं। तो प्रोडक्ट बेचने के अलावा प्रोडक्ट का आफ्टर सेल सर्विस देना भी बहुत आवश्यक है। अगर आप आफ्टर सेल सर्विस अच्छा दे पाते हो, तो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट का गुडविल बहुत अच्छा होगा, बरोबर। लेकिन आप सिर्फ सेल कर देते हो, आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे पाते हो, तो आपके प्रोडक्ट का गुडविल उतना अच्छा नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि खाली इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आफ्टर सेल सर्विस होता है, बहुत सारी जगह पे आफ्टर सेल सर्विस होता है। जैसे अगर हम बात करें बैंक वगैरह की, आपका खाता खोल दिया तो उनका काम खत्म नहीं होता है। खाता खोलने के बाद दे शुड प्रोवाइड यू सर्विस, प्रॉपर आपको गाइडेंस, सर्विस, इंटीमेशन सब होनी चाहिए। अगर हम खाने पीने के आइटम की बात करें, अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे, आपने कुछ सब्जी वगैरह ऑर्डर की है, बरोबर, आपने सब्जी ऑर्डर की पर आपको जो एक्सपेक्टेड था वैसा सब्जी नहीं आया, आपने स्पेसिफिकली बोला कि भाई मुझे सब्जी में बिल्कुल भी स्वीटनेस नहीं चाहिए, मुझे तीखा सब्जी चाहिए, लेकिन गलती से वो शेफ जो था उसने थोड़ा स्वीट कर दिया सब्जी को, आप जो उधर का वेटर है उसको बोलो
उधर का जो मैनेजर उसको बोलो, अगर अच्छा रेस्टोरेंट रहेगा वो इमीडिएटली रिप्लेस करके देते, उसको आफ्टर सेल सर्विस बोलते, सवाल भी नहीं पूछेगा, इमीडिएटली रिप्लेस करके दे देगा। तो आफ्टर सेल सर्विस इज वन ऑफ द फैक्टर विच विल इफेक्ट द गुडविल, क्योंकि प्रोडक्ट का अगर आफ्टर सेल सर्विस अच्छा नहीं होगा तो इंसान एक बार खरीद लेगा लेकिन दूसरी बार किसी को रिकमेंड नहीं करेगा। थर्ड फैक्टर विच में इफेक्ट गुडविल इज मैनेजमेंट, कौन बिजनेस को मैनेज कर रहा है, कौन ऐसा पर्सन है जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है, उसके ऊपर भी गुडविल बहुत डिपेंड करता है, बरोबर। अब समझो दो लोग हैं, एक मैं मोतीलाल मणियार, बहुत ईमानदार आदमी, बहुत हॉनेस्ट आदमी है, कभी गड़बड़ नहीं किया, कभी कुछ गलत नहीं किया, सबका पैसा टाइम पे देता है, सबको जो सर्विस देता है वो भी बहुत अच्छी देता है, प्रोडक्ट भी बहुत बरोबर देता है, बरोबर, मेरा मार्केट में नाम बहुत अच्छा है। दूसरा शैलेश, बिजनेस वो भी करता है लेकिन कस्टमर से बहुत चिक चिक करता है, बरोबर, कोई कस्टमर कंप्लेंट लेके आता है तो पहली बात तो कभी सुनता ही नहीं, सुन भी लिया तो सॉल्व नहीं करता है, बरोबर, और जहाँ तक पॉसिबल है कोशिश करता है कैसा भी करके कस्टमर को चुना लगाऊं और मेरा फायदा करूं, बरोबर, कस्टमर से मीठी मीठी बातें करेगा और मीठी मीठी बातें करके कोई भी चीज उसको चिपका देगा। तो यहां पे समझो एक नया बिजनेस चालू हो रहा है जो कि मैं चालू कर रहा हूं और एक दूसरा बिजनेस है जो कि शैलेश चालू कर रहा है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एक शैलेश जो कस्टमर से मीठी मीठी बातें करता है लेकिन एकदम खराब चीज चिपकाता है कस्टमर को और उसको कभी कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं देता है, शैलेश का नाम मार्केट में बहुत खराब है कि ये बरोबर काम नहीं करता, बरोबर से धंधा नहीं करता, मेरा नाम मार्केट में बहुत अच्छा है, अब मैं कोई नया वेंचर चालू कर रहा हूँ, शैलेश भी कोई नया वेंचर चालू कर रहा है, तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मांगूं, शैलेश भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मांगे, तो आप किसको पैसा देना पसंद करोगे इन्वेस्टमेंट के लिए, मेरे को या शैलेश को, बोलो, आपको, मुझे ही दोगे कि मेरा रेप्यूटेशन अच्छा है मार्केट में, मैंने कभी गड़बड़ नहीं की किसी के साथ, शैलेश को नहीं दोगे क्योंकि भाई वो झोलर एक नंबर का घोटाला करते रहता है। तो जो पर्सन बिजनेस को मैनेज करता है ना उस पर्सन के नाम से भी गुडविल बहुत कम ज्यादा होती है, अगर एक अच्छा ईमानदार आदमी बिजनेस को मैनेज करेगा तो उस बिजनेस का गुडविल कभी भी ज्यादा होगा, और एक ऐसा आदमी बिजनेस को मैनेज कर रहा है जिसका रेप्यूटेशन बहुत खराब है वो कभी भी बिजनेस को, कभी भी उस बिजनेस का गुडविल अच्छा नहीं होगा। फिर जो नेक्स्ट फैक्टर है जिसकी वजह से गुडविल कम ज्यादा हो सकता है, दैट इज लोकेशन ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कहाँ लोकेटेड है वो भी गुडविल का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो भी गुडविल का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये तो हमको आज के टाइम पे बहुत देखने को मिलता है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ का है, कहाँ से बन के आया है, बरोबर, उस पर भी आपके बिजनेस का गुडविल मैटर करता है, उसमें भी आपके बिजनेस का गुडविल बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर लोकेशन पॉश होगा तो वहां पे हर किसी के लिए बिजनेस करना कैपेबल नहीं है, तो वो लोकेशन के हिसाब से अपने आप ही गुडविल बन जाएगा, बरोबर, और अगर लोकेशन पॉश नहीं होगा तो उस जगह की गुडविल बनने को थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे, अभी हम जो, अगर आपके पास दो कैलकुलेटर है, दो कैलकुलेटर है आपके पास, बरोबर, एक है समझो मेड इन चाइना, बरोबर, दूसरा है मेड इन जापान, इसका गुडविल आपके नजर में ज्यादा है, चाइना, जापान, चाइना है और एक मेड इन जापान है, तो आपके हिसाब से किसका गुडविल ज्यादा है, चाइना वाले का, जापान, जापान, ऑब्वियसली जापान का। तो देखो लोकेशन, मतलब जापान से कोई चीज आई तो हम आग बंद करके विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि जापान वाले बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। लेकिन चाइना से आएगा हम यूज तो कर लेंगे लेकिन विश्वास एकदम से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है।
तो आपका बिजनेस कहाँ लोकेटेड है, उससे भी, उसके बेसिस पे भी आपके बिजनेस का गुडविल होता है. लोकेशन ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच मे रिजल्ट इन या विच मे इफेक्ट द गुडविल ऑफ बिजनेस. तो जनरली क्वालिटी, आफ्टर सेल सर्विस, मैनेजमेंट, लोकेशन ऑफ बिजनेस, ये चार ऐसे फैक्टर है जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं. लोकेशन ऑफ कस्टमर गुडविल को इफेक्ट नहीं करता है. आपके पास कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि अभी जो भी पर्सन आपसे डील कर रहा है उसको थोड़ी मालूम है आपके पास कौन कौन आता है, कहाँ कहाँ से आता है. आप ऐसा लिस्ट लगा के रखोगे, देखो मेरे से ये इधर से आया था मिलने, ये इधर से आया था मिलने, लिस्ट लगा के भी रखोगे बरोबर, तो कोई जल्दी ध्यान नहीं देगा. तो लोकेशन ऑफ बिजनेस फैक्टर, लोकेशन ऑफ कस्टमर नॉट अ बिग फैक्टर. तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमको पढ़ना है, दैट इज नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. हम कब गुडविल वैल्यूएशन करेंगे, या ऐसे कौन से सिचुएशन है जब गुडविल वैल्यूएशन हमारे लिए आवश्यक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है, ऐसे कौन से सिचुएशंस है जब हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना ही चाहिए. बोलो. जब पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर आ रहा हो, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसके रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बरोबर, और डिसोल्यूशन क्या होता है, हम गुडविल बेच देते हैं, हमारा बिजनेस बंद हो रहा है. तो अगर कोई बिजनेस खरीद रहा है तो ठीक है, अगर बिजनेस नहीं खरीद रहा है तो बंद होते हुए बिजनेस की जल्दी कोई गुडविल नहीं होती. अगर जब पार्टनर कोई डाई होता है, हाँ, डेथ ऑफ पार्टनर के टाइम गुडविल वैल्यूएशन हो सकता है बरोबर. तो नॉर्मली गुडविल वैल्यूएशन कब होगा, जब आपके बिजनेस में कुछ चेंजेस होंगे, आपके बिजनेस में कुछ चेंजेस होगा तब आप गुडविल वैल्यूएशन की बात करोगे. जैसा कि आप लोगों ने कहा, एडमिशन ऑफ पार्टनर वन ऑफ द रीजन फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अनादर रीजन, डेथ ऑफ पार्टनर अनादर रीजन. How come admission of partner be a reason for valuation of goodwill? Let's take an example. Harsh और Deep दोनों ने साथ में business चालू किया. बरोबर, जब उन्होंने business चालू किया तब उनके पास पहले दिन सिर्फ दो customer थे. 10 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद आज वो दो customer का उनके पास 2000 customer. और वो 2000 कस्टमर सिर्फ हर्ष और दीप के नाम पे बिजनेस कर. अब समझो शैलेश एज अ पार्टनर एसोसिएट होता है, शैलेश एज अ पार्टनर ज्वाइन होता है. तो देखो, कस्टमर को 2 से 2000 लेके जाने तक दीप और हर्ष का मेहनत है, शैलेश का मेहनत है क्या? नहीं. शैलेश को तो रेडीमेड 2000 कस्टमर का बेस मिल रहा है. तो यहाँ पे दीप और हर्ष उससे बोलेंगे, भाई हमको हमारे गुडविल का पैसा चाहिए, जो हमने मेहनत करके 2 से 2000 लेके आया है उसके लिए हमको हमारा कुछ कंपनसेशन चाहिए. वैसे ही रिटायरमेंट या डेथ होगा तो भी पार्टनर गुडविल डिमांड कर सकता है बरोबर. समझो दीप, हर्ष, शैलेश तीन लोग पार्टनर है. अब हर्ष रिटायर हो रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्म से एसोसिएटेड थे हर्ष की वजह से बरोबर. तो अभी हर्ष जाएगा तो हो सकता है वो लोग एसोसिएटेड ना भी हो, तो हर्ष उनको कन्विंस करेगा कि भाई मैं जा रहा हूं लेकिन काम ये लोग वैसा ही करेंगे जैसा करते थे. तो हर्ष अपने नाम का पैसा लेके जाएगा बरोबर, रिटायरमेंट या डेथ एज द केस में. उसके अलावा अगर फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, तो भी गुडविल वैल्यूएशन का सवाल आता है. कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होना मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने का ही एक पार्ट है. उसके अलावा अगर पार्टनर लोग आपस में पीएसआर चेंज कर लेते हैं, जैसे पहले पीएसआर था 3:2:1, पर वो बोलते हैं भाई नियर फ्यूचर में 3:2:1 नहीं होगा, नियर फ्यूचर में हमारा पीएसआर होगा 1:1:1. तो चेंज इन पीएसआर इज अ टाइप या इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज. तो यहाँ पे जो पार्टनर का रेशो कम हो रहा है बरोबर, वो क्या कर सकता है, जिस पार्टनर का रेशो बढ़ रहा है उससे बोल सकता है, भाई अभी तक मेरा रेशो ज्यादा था अब तेरा रेशो ज्यादा है,
मेरा रेशियो इसलिए ज्यादा है क्योंकि मेरा कम हो रहा है, तो मेरा जो कम हो रहा है उसके लिए मुझे मेरा गुडविल का पैसा दो। उसके अलावा जब आप बिजनेस को खरीदते हो, बेचते हो, अमालगमेट करते हो, मर्ज करते हो, तो भी गुडविल का पॉइंट आ सकता है। जैसे अभी समझो दीप बिजनेस कर रहा है, दीप जब बिजनेस चालू किया दीप ने, तब उसके पास दो कस्टमर थे, अकेला दीप अकेला ही बिजनेस कर रहा। जब दीप ने बिजनेस चालू किया तब उसके पास दो कस्टमर थे, 5 साल तक उसने बहुत मेहनत की और दो कस्टमर से 200 कस्टमर तक ले आया, बरोबर। अब दीप बोलता है मेरे को बिजनेस नहीं करना है, मेरे को बिजनेस बेचना। तो जब वो बिजनेस बेचने को निकला तो वैल्यूएशन हुआ, तो वैल्यूएशन में पता चला कि उसके पास बिजनेस में एसेट है 10 लाख का, बिजनेस में लाइबिलिटी है 2 लाख का। मतलब जो भी उसका बिजनेस खरीदेगा उसको नेट कितना एसेट मिलेगा, 8 लाख। 10 लाख का एसेट, 2 लाख का लाइबिलिटी, तो नेट एसेट कितना मिलेगा उसको, 8 लाख, बरोबर। लेकिन दीप, लेकिन दीप जिस किसी से भी, जिस किसी को भी बिजनेस बेच रहा है उसको बोलता है मेरे को 8 लाख नहीं चाहिए, मेरे को 12 लाख चाहिए। तो यहाँ पे 8 लाख का एसेट, नेट एसेट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन दीप बदले में कितना मांग रहा है, 12 लाख। तो जो दीप 12 लाख मांग रहा है उसमें जो 4 लाख एक्स्ट्रा मांग रहा है वो किसका मांग रहा है, गुडविल। गुडविल, क्योंकि गुडविल, क्योंकि आज जो भी उससे बिजनेस खरीदेगा, समझो मैं बिजनेस खरीदूं तो मेरे को 200 मेहनत थोड़ी करनी है, मेरे को तो रेडीमेड 200 लोग मिल रहा है, बरोबर। तो गुडविल वैल्यूएशन हम कब करेंगे, गुडविल वैल्यूएशन का केसेस कब होगा, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, सेल और अमालगमेशन और डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस। डिसोल्यूशन कब, जब आप अपना बिजनेस बेच रहे हो इसीलिए डिसोल्व कर रहे हो, बरोबर। तो ये हमने क्या देखा, गुडविल का मीनिंग देखा, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल देखा, और फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल के बाद हमने नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखा, बरोबर, क्लियर है। तो आगे हम बात करेंगे गुडविल वैल्यूएशन के मेथड के बारे में, कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होना चाहिए, उसके मेथड के बारे में हम बात करेंगे, बरोबर। तो एक बार आप लोग इतना वापस मेमोराइज कर लो, फिर अपन आगे की बात करते हैं।